और इसमें क्या क्या लगाया जाता है, कौन सा पौधा कौन सा फल देता है, तो आपको दिखाते हैं, कौन सी सब्जी होती है, सब आपको दिखाते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं अपने बैक कैमरे से। पहले शुरू करते हैं पपीता का पेड़। ये देखिए पपीता का पेड़ है, ये ऊपर देखो फरा है, अभी तो काला काला दिख रहा होगा, इधर उजाला थोड़ा कम पड़ रहा, आप सफ़ा दिख रहा होगा आपको। तो ये पपीता का पेड़ है, और नीचे आपको दिखाते हैं और किस किस चीज़ का पेड़ है। तो इधर एक बोड़ा का पेड़ है, जिससे बोड़ा फरता है, सब्जी है ये, ये बोड़ा का पेड़ है, इसकी पत्ती ये है। और करेला का पेड़ आपको दिखाते हैं, ये करेले का पेड़ है, ये देखो छोटा सा फल लगा है, और एक बड़ा सा था भी था, ये देखो एक ये करेला है, और ये करेले की पत्तियां हैं, और बोड़ा करेला मिक्स में लगाया गया है, दोनों साथ में हैं। और इधर एक सेम का पेड़ होगा, सेम जानते होंगे आप लोग जो गांव देहात से हो तो जानते होंगे, जो शहर से हैं उन लोगों को दिखा दो कि सेम का पेड़ कैसा होता है। ये सेम की पत्तियां हैं, ये देखो सेम की पत्तियां कुछ इस तरह होती है। और आपको दिखाते हैं मकाई, इसको भुट्टा बोलते हैं शहर में, और जो इसका वो मिलता है पॉपकॉर्न मिलता है, उसको दिखाते हैं। ये देखो कोई पक्षी खा गया है, और इसके अंदर ऐसे फरता है, इसमें तो पक्षी खा गया है, बाकी ये देखो इधर फल लगा है। तो और आपको दिखाते हैं एक कोहड़ा, कोहड़ा जिसको कद्दू बोलते हैं, तो कद्दू दिखाते हैं, कद्दू का फल, कद्दू का फल ये रहा, कद्दू का फल, ये कद्दू का फल है। और बगल में एक सब्जी और है, जिसको बोलते हैं ननुआ, ये ननुआ का सब्जी है, इसको सब्जी बनाया जाता है। और इधर एक बड़ा सा ननुआ भी है, ये देखो ये भी ननुआ है। तो हमारी तरफ इधर बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, काफ़ी हरियाली है हमारे यहाँ। तो चलो आपको एक पेड़ और दिखाते हैं, बड़ा वाला नींबू, ये देखो बड़ा वाला नींबू फरा हुआ है। इतने इतने होता है, इतना सा बहुत बड़ा सा होता है ये वाला। और ये एक पेड़ है जैसे पान के पत्ते की तरह रहता है, इसको बोलते हैं अतार, इसको ज़मीन पर इसके जड़ के बगल में फरता है, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो चलो आपको और एक सब्जी दिखा देते हैं, अरवी बोलते हैं जिसको, अरवी, इसके पत्ते की भी सब्जी बनती है, या एक ऐसे रोल टाइप बना के बनाते हैं वो बनता है, और इसके नीचे एक जड़ में जो फरता है उससे भी सब्जी बनाते हैं और चोखा बनाते हैं हमारे यहाँ गांव देहात में। किस किस ने खाया है कमेंट कर देना। और एक सब्जी और दिखाते हैं आपको, सरपुतिया जिसको बोलते हैं, उसका पत्ता है और इसका फल दिखाते हैं, ये उसका फल है, इसकी भी सब्जी जैसे परवर की सब्जी बनती है वैसे इसकी सब्जी बनती है। फूल का पेड़ दिखाते हैं आपको, ये है हर सिंगार का फूल, ये देखो इसमें फूल कली लग रही है, ये इधर देखिए, और ये हर सिंगार का फूल है, और इसमें बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है इसकी। तो काफ़ी सारा बगीचा टाइप लगाए हैं अपने घर के पास, और ये इसको बोलते हैं, ये पौधा है जिसको बोलते हैं सूरन, सूरन बोलते हैं इसको, इसके जड़ में फरते हैं लगभग 2-3 किलो के लगभग, ऐसे जैसे आलू होता है उससे भी बड़े बड़े ऐसे इसके जड़ में होते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है पनीर टाइप। तो ये सूरन का पौधा है, और ये हरसिंगार का है, और एक इंटरेस्टिंग पौधा आपको दिखाते हैं, लगभग वो जल्दी कहीं नहीं होता है पर हमारे यहाँ है, हम आपको दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं बालम खीरा, ये बालम खीरे का पौधा है। चलो इसको पास से दिखाते हैं, थोड़ा इसके पास चलें, और इधर बाड़ वाड़ लगा है कि कोई जानवर ना आ जाए, तो इसको पार करके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये है बालम खीरा का पेड़, और इसके ऊपर देखिए इसकी पत्तियाँ, आपको कहीं दिख जाएगा तो पहचान लेंगे,
तो बालम खीरा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसको आयुर्वेदिक दवा के रूप में यूज किया जाता है। जैसे इसका जो कब्ज वब्ज बनता है उसका चूर्ण बनाया जाता है, तो इसमें बालम खीरे के फल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ज़मीन पर खीरे फरते हैं वैसे भी होता है ये भी। और आपको क्या दिखा दें, आपको गुलाब का फूल दिखा दें, हमारे यहाँ देखो गुलाब का भी पौधा है। और बैंगन दिखाते हैं, बैंगन आपका जिसका बनता है चोखा, तो ये हमारे यहाँ बैंगन का, ये देखो एक बैंगन फरा हुआ है। काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं हमारे यहाँ। और चलो आपको दिखाते हैं तुलसी का पेड़। तुलसी ना आप लोग बाज़ार से लेके इसका रस 2-3 बूंद डालकर पानी में पीते होंगे, तो ये हमारे यहाँ नेचुरल तुलसी है, हम लोग इसी का सेवन करते हैं। अपने खेत में उगी तुलसी का, बाकी बाज़ार के चीज़ों पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों यही सब आपको दिखाना चाहते थे कि हमारे यहाँ कैसे सब्जियाँ लगाई जाती हैं, कैसे कैसे क्या होता है। तो खेती बाड़ी से जुड़ी और ऐसे गांव देहात की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल को प्रेस करिए। हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और ऐसे